क्या था पूरा मामला, किसने मारा था, क्या कैसे गिरफ्तारी हुई? कल लगभग 2 बजे थाना कटरा में ये डंगहार में रामनारायण नामक आदमी द्वारा अपने भतीजे और अपनी भतीजी और भाभी को कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया गया था, जिसमें उसकी भाभी और भतीजी की मौके पर मौत हो गई थी। भतीजे को गंभीर अवस्था में ट्रामा सेंटर भेजा गया था, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पहुंची थी, उसने अपनी विधिक कार्रवाई संपन्न की। इस संबंध में एक तारीख भी प्राप्त हुई, जिसमें संचित धारा में मुकदमा कायम किया गया और उसमें रामनारायण को मुलजिम बनाया गया था। क्योंकि ये हत्याकांड से संबंधित था, इसलिए इसको हमने चुनौती के रूप में लिया और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए एसपी सिटी के पर्यवेक्षण में टीम बनाई गई। इनके साथ साथ थाना स्थानीय पुलिस, सर्विलांस की टीम भी लगी थी। सब ने मिल करके उसको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया और घटना में जो आला कतल प्रयोग किया गया था वो भी कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है। मारने की वजह पारिवारिक अंतरकला सामने आई है, इसी वजह से उसे मारा है। पैसे के लिए कोई विवाद था क्या, जो पेंशन मिलता था या फिर ये जो बात प्रकाश में आई है, ये बात पता चली कि इसके बड़े भाई को जो यहाँ पर मिर्जापुर में पोस्टमैन के पद पर था, मृतक आसिफ के रूप में उसको नौकरी मिली थी और घर के चलाने की जिम्मेदारी पूरी उसी पे थी। लेकिन इसका यह आरोप था कि उसके भाई और भाभी उसके इलाज के लिए या अन्य खर्चे के लिए पैसा नहीं देते थे, जिससे यह आक्रोश में रहता था। कल भी इसी बात को लेकर के बात हुई थी और आक्रोश में फिर उसने आकर के यह घटना कर दिया, जिसमें अपनी भाभी और अपने भतीजे और भतीजी की हत्या कर दी। थैंक यू।